हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्क्रीन पर इस वक्त आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज 2020। जी हाँ, एक यूनिवर्सिटी की तरफ से वैकेंसीज आई हुई हैं, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एडजंक्ट फैकल्टी, साथ ही साथ विजिटिंग फैकल्टी के लिए भी रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो इसमें से किसी भी पोस्ट के लिए आप अगर एलिजिबल हों तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं सीधे आपको वेबसाइट की तरफ लेकर चलती हूँ और वहाँ पर हम उसकी डिटेल जानेंगे कि किन सब्जेक्ट्स पर वैकेंसीज आई हुई हैं। इसके पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एक लाइक तो बनता है मेरी वीडियोज़ को, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ यूज़फुल वीडियोज़ अपलोड करती हूँ टाइम टू टाइम आपके लिए। इसके साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे अपलोड होने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। तो चलिए हम चलते हैं उस वेबसाइट की तरफ। ये वेबसाइट है IMS Unison University की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है। IMS Unison University के अंतर्गत कई सारे स्कूल्स चलाए जाते हैं, मींस कई सारे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, जिनमें BBA, MBA और साथ ही साथ आप यहां देख सकते हैं, मैंने स्कूल्स पर क्लिक किया, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है जहां पे BBA, MBA के कोर्सेज चलाए जाते हैं, स्कूल ऑफ लॉ है जहां पर लॉ की पढ़ाई होती है, LLB और LLM की पढ़ाई होती है, स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में भी हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के मास्टर्स और बैचलर के कोर्सेज चलाए जाते हैं, स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन में कॉमर्स के कोर्सेज चलाए जाते हैं, साथ ही साथ मास कम्युनिकेशन के भी कोर्सेज चलाए जाते हैं, स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स में, स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स में इंग्लिश कई सब्जेक्ट्स में PhD भी होती है, जिसमें इंग्लिश में यहाँ से PhD कर सकते हैं आप। साथ ही साथ स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स में आर्ट्स सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, मींस BA के कोर्सेज चलाए जाते हैं, साथ ही साथ में इंग्लिश के लिए भी और कुछ अलग सब्जेक्ट्स के लिए भी, कुछ और डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर भी यहाँ पढ़ाई होती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो भी बनती हैं इन सारे सब्जेक्ट्स में ही बनेंगी। तो चलिए हम फटाफट देख लेते हैं कि क्या सब कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ आप देख सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, वैकेंसीज़ आप देख सकते हैं और किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आने से यहाँ पर आप देख सकते हैं करियर सेक्शन है। करियर सेक्शन पर क्लिक करते ही करियर सेक्शन ओपन होगा और यहाँ पर सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ दी हुई है। एकेडमिक करियर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एकेडमिक स्टाफ ओपनिंग, सीनियर प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एडजंक्ट एंड विजिटिंग फैकल्टी। मैं वन बाय वन आपको क्लिक करके दिखाती हूँ कि किन सब्जेक्ट्स पर वैकेंसीज आई हुई हैं। यहाँ पर एडजंक्ट या विजिटिंग फैकल्टी, एडजंक्ट या विजिटिंग फैकल्टी मीन्स आप आवरली बेसिस पर ज्वाइन करना चाहते हैं या आप पार्ट टाइम ज्वाइन करना चाहते हैं। जो जॉब लोकेशन है ये देहरादून है, ये जो यूनिवर्सिटी है ये देहरादून में है, उत्तराखंड में ये आता है, उत्तराखंड स्टेट में ये आता है देहरादून। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन, स्कूल ऑफ लॉ, स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स, कहीं पर भी आपको काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसके लिए PhD की रिक्वायरमेंट इन्होंने बताई है एडजंक्ट फैकल्टी के लिए, PhD विद या फिर मास्टर्स डिग्री है और आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है 3 इयर्स का, या आपके पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स आप यहाँ पर देख लें, जिन सब्जेक्ट्स में अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं, फ्रेंच है, साइकोलॉजी है, लॉ, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर आप एडजंक्ट या विजिटिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। HR पॉलिसीज में जाकर आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या रेम्यूनरेशन बनने वाली है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये यूनिवर्सिटी फ़िलहाल 6th पे कमीशन के हिसाब से पे कर रही है, जिसमें मिनिमम सैलरी आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 55,000 के ऊपर लगभग बननी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि बहुत जल्दी ही ये 7th पे भी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल 6th पे के हिसाब से ये पेमेंट कर रहे हैं अपने सभी फैकल्टी और अदर स्टाफ मेंबर्स को। चलिए मैं दूसरे सेक्शन में चलूँ और आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्वायरमेंट दिखा दूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर ये जॉब लोकेशन, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी पूरी की पूरी देहरादून में है, इसके सभी स्कूल्स जो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन, स्कूल ऑफ लॉ, स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, ये सारे जो स्कूल्स हैं इनके, स्कूल मीन्स बैचलर डिग्री और मास्टर्स डिग्री ही कोर्सेज रन हो रहे हैं इनके यहाँ इस यूनिवर्सिटी में। तो ये जो पे स्केल इन्होंने लिखी है 15,600 से 39,100 और ग्रेड पे है 6,000 का, तो ये आप देख सकते हैं। साथ ही साथ
एलिजिबिलिटी फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री इन रेलिवेंट डिसिप्लिन और मिनिमम 55% मार्क्स एट मास्टर्स डिग्री इन लॉ मास कम्युनिकेशन और ह्यूमैनिटीज़। तो अगर आपकी लॉ में या मास कम्युनिकेशन में या ह्यूमैनिटीज़ में मींस आर्ट्स सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स की है या मास कम्युनिकेशन या लॉ में, तो यहाँ पर आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर अगर कॉमर्स में भी आपने की हुई है तो आप ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर बीकॉम के कोर्सेज भी रन होते हैं। अगर यहाँ पर आप इंटरेस्टेड हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, एक बात और है कि नेट भी होनी चाहिए, साथ ही साथ अगर 3 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस है आपको या इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है या रिसर्च एक्सपीरियंस है तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इसी तरीके से अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपने पीएचडी की हुई है, तो आप एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर और सीनियर प्रोफेसर पोजीशंस पर भी क्लिक करें और पूरी डिटेल लें। आप जिस भी सेक्शन में जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल और इंटरेस्टेड हैं उसके ठीक नीचे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन करके आप अपनी सारी डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। ये यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं है, ये एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही होनी चाहिए। यहाँ से लिंक दी हुई है, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सेपरेट पोस्ट के लिए सेपरेट लिंक दी हुई है, ये आप क्लिक करके। चलिए, इसकी यूनिवर्सिटी की मैं लिंक आपको बता दूँ। इस यूनिवर्सिटी की जो लिंक है वो है www.iwu.ac, इस वेबसाइट पर आप जैसे ही एंटर करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन करियर सेक्शन में आपको मिल जाती है। तो होपफुल ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। इस तरह के यूज़फुल वीडियोस लेके मैं पुनः आपके पास आती रहूँगी। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।